गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की पेंटिंग भी डिफरेंट है और उसके पीछे की कहानी भी। तो पिछले संडे की बात है, मैं बिजी थी अपने काम में और अचानक से मुझे कॉल आया कि घर में कुछ गेस्ट आ रहे हैं। घर का कोई भी काम नहीं हुआ था क्योंकि आज आंटी अभी तक नहीं आई थी, क्योंकि आंटी मेरी मदद करती हैं मेरे घर के कामों में, तो इसलिए मैं उनका इंतज़ार कर रही थी। अचानक से मेरी नज़र गई विंडो पर और विंडो के बाहर मैंने देखा कि आंटी तो अपने ग्रुप के साथ खड़ी होकर बहुत मज़े से बात कर रही हैं। काफ़ी देर हो गई बात करते करते और मुझे ये लग रहा था कि मैं आवाज़ लगाऊं, बट अच्छा नहीं कि कोई बहुत ज़रूरी बात ही कर रहे होंगे तभी इतना देर से वो लोग खड़ी होकर बातें कर रही हैं। फिर क्या था, मैंने दोबारा सीन को देखा और वहाँ पर मुझे एक मधुबनी पेंटिंग दिखाई दी। कैसे दिखाई दी, चलिए मैं बताती हूँ आपको। मैंने सोचा कि इस ग्रुप की एक मधुबनी पेंटिंग बनाई जाए, तो नेक्स्ट डे मैंने एक पेपर और एक पेंसिल निकाला, रफ स्केचिंग किया, एक बार बनाया नहीं बना, दोबारा बनाया, फिर ट्राई किया पोस्टर्स बनाने का, नहीं बना, मिटाया, फिर से बनाया। अब कुछ हद तक पोस्टर्स क्लियर होते जा रहे थे कि किस तरीके से ड्रॉ करना है, फिर से इरेज किया और फाइनली जो डिज़ाइन था वो रेडी हो गया, समझ में आ गया कि किस तरीके से मुझे उन लेडीज़ को खड़े करके एक पेंटिंग में बनाना है। और फाइनल जो पोस्टर्स बने लेडीज़ के वो ये थे। अब क्या था, अब काम रह गया था इनको सजाने का। हाल ही में मैंने हीरा मंडी भी देखी थी, तो उनके कॉस्ट्यूम्स भी कुछ कुछ दिमाग में थे, उनके जो ज्वेलरीज थी वो हमेशा दिमाग में घूमे जा रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना चलो इनको एक बहुत सुंदर से तैयार करके फिर बनाया जाए। तो चलिए अब इनको करते हैं रेडी। तो दोस्तों यहाँ पर जो मैं ड्राइंग करूँगी वो ब्लैक कलर से करूँगी और ये जो हमारी पेंटिंग रहेगी टोटली ब्लैक कलर से हम इसको बनाएंगे। इस तरह की मधुबनी पेंटिंग बहुत सुंदर बनती हैं और बहुत एक्सपेंसिव भी होती हैं, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा नेव वर्क किया जाता है और इसका जो काम है वो इतना बारीक होता है कि उसमें बहुत टाइम लगता है। लिटरली आई एम टेलिंग यू कि इस पेंटिंग को मुझे बनाने में भी 3 डेज लगे हैं, क्योंकि यहाँ पर हर लेडी को उसी बारीकी से रेडी किया गया है, उसी बारीकी से इसमें सजावट की गई है, तो ये टाइम तो लेता है थोड़ा सा, लेकिन बनने के बाद एक अलग ही मज़ा आता है। तो चलिए अब इसमें आगे की तैयारी करते हैं। तो दोस्तों इस तरह की पेंटिंग बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और मैं आपको बताऊंगी कुछ टिप्स जिससे कि आप इस तरीके की पेंटिंग्स को बहुत आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहली बात, जो आउटर लाइन है उसको थोड़ा थिक बनाइए और जो अंदर का आप वर्क करेंगे उसको थोड़ा थिन रखिए, मतलब पतला बनाइए। यानी अगर आप आउटलाइन किसी मोटे पेन से बना रहे हैं, बहुत मोटा पेन भी नहीं लेना है, लेकिन उसके अंदर का जो वर्क है वो पतले पेन से कीजिए, तो देखिएगा एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा 3D इफेक्ट आता है जो कि और एनहांस करता है हमारे इस तरीके के डिज़ाइन को। अब देखते हैं इसमें और क्या चीज़ है जिस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए इस तरीके की पेंटिंग्स में। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो बात होती है वो होती है कि यहाँ इस तरीके की पेंटिंग में बिल्कुल जगह खाली नहीं छोड़ी जाती है, कोई भी स्पेस ऐसा नहीं छोड़ा जाता है कि जहाँ पर कोई भी डिज़ाइन नहीं दिया हो। तो ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर आपकी इस तरीके की पेंटिंग आप बनाते हैं और कोई भी स्पेस आपको लगता है कि यहाँ पर मेरा स्पेस ये फ्री जा रहा है, तो वहाँ पर डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ ड्रॉ कीजिए। ये तो थी एक बात। दूसरी बात, जो दूसरी खास बात है जिस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि जब भी आप इस तरीके की पेंटिंग में डबल लाइनिंग करते हैं तो डबल लाइनिंग के अंदर भी कचनी वर्क करके उसको ढकिए, उसको कंप्लीट कीजिए, क्योंकि तभी ये जो वर्क है हमारा डेंस दिखाई देता है। अगर आप इसको ऐसे नहीं करेंगे तो लाइन्स अलग अलग दिखाई देंगे और ये इस तरीके का जो डेंस लुक आता है इस तरीके की पेंटिंग में वो नहीं आ पाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके की पेंटिंग्स हैं जो बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट ने बनाई है मधुबनी में और उन लोगों को पद्मश्री भी मिला है, नेशनल अवार्ड्स भी मिले हैं। मधुबनी पेंटिंग का ये वाला वर्क थोड़ा टाइम टेकिंग ज़रूर है, थोड़ी मेहनत आपकी ज़रूर लगेगी, लेकिन जो फाइनल आउटपुट आता है वो बहुत ही ब्यूटीफुल आता है। एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहती हूँ, अगर आप लोग भी मेरी तरह आर्ट गैलरीज
विज़िट करते हैं, पसंद करते हैं देखना, तो अगर मधुबनी की आर्ट गैलरी आपकी कहीं एरिया में लगी हो तो उसको डेफिनेटली विज़िट कीजिए, और आप वहाँ पाएंगे कि इस तरीके का डेंस वाला जो मधुबनी वर्क है वो आप ज़रूर एक ना एक पेंटिंग वहाँ पे ज़रूर मिलेगी आपको। और जो आर्टिस्ट होगा उसकी स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट होगी उस चीज़ के पीछे, और उसमें हर एलिमेंट का एक ना एक रोल होगा उस, मतलब वो पूरी जो पेंटिंग है वो पूरी एक स्टोरी रहेगी। तो इस तरीके से जो डिपिक्शन होता है किसी भी चीज़ का, हमारे थिंकिंग का, वो इसी तरीके से होता है। हम कुछ भी बना सकते हैं मधुबनी पेंटिंग में, कैसे भी बना सकते हैं, क्योंकि हमारी इंसान की जो सोचने की जो शक्ति होती है ना उसकी कोई सीमा नहीं होती। हमारे जो मन की पावर है ना उसके आगे कोई पावर बड़ी नहीं होती। तो जब हम सोचते हैं, कोई भी चीज़ सोचते हैं, उसको बनाने का हमें तरीका आना चाहिए, उसकी स्टोरी हमें पता होनी चाहिए कि अगर हम इस चीज़ को बना रहे हैं तो इसके पीछे क्या है। तो ये चीज़ आप अगर सीख जाएंगे ना, तो मैं डेफिनेटली कहती हूँ कि आप अपने मन से, अपने इमेजिनेशन से कोई भी पेंटिंग बना सकते हैं। जो भी आप सोच रहे हैं उसके पीछे एक स्टोरी रेडी कीजिए, रेडी करने के बाद उसके ऊपर उसके एलिमेंट्स पे वर्क कीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने इसको कई बार बनाया, मिटाया और दोबारा रेडी किया, तब जाके जब फाइनलाइज हुआ, तब जाके मुझे माइंड में जब एकदम एक पिक्चर जो है ना क्लियर पिक्चर बन गई, तब मैंने इसको फाइनल जो मेरी आर्ट शीट है मधुबनी की उस पे इसको बनाया है। अच्छा, एक चीज़ और बता देती हूँ फ्रेंड्स, मटेरियल के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा मतलब मुझे मैसेजेस करते हैं कि मटेरियल मैंने क्या यूज़ किया है। यहाँ पर मैंने जो यूज़ की है जो शीट है वो ओरिजिनल मधुबनी वर्कशीट है, जो कि आपको दरभंगा से ही मिलेगी। ये ऑनलाइन कहीं भी अवेलेबल नहीं है, और अगर आपको, आप दरभंगा के आसपास रहते हैं या दरभंगा में रहते हैं तो ईजिली आप इसको ले सकते हैं। बट अगर आप वहाँ नहीं रहते हैं और आप दूर किसी एरिया में रहते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप कोई भी हैंडमेड शीट होती है, आर्ट शीट की हैंडमेड शीट आती है जो आर्ट वर्क के लिए होती है, उसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो कॉटन बेस्ड होती हैं, तो इसलिए वहाँ पर जो कलरिंग होती है वो हमारी लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है। इस शीट की भी खासियत यही है कि इस शीट में भी जो है कॉटन बहुत ज़्यादा होता है, और इसलिए इसकी जो एब्जॉर्ब वाली जो प्रॉपर्टी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और जब हम इस पर कलर करते हैं, एक्रीलिक कलर करते हैं, तो एक्रीलिक कलर्स में शाइनिंग नहीं होती है, ऐसा लगता है जैसे हमने नेचुरल कलर से किया है काम। अगर हम इसी कलर को नॉर्मल पेपर पे करते हैं तो वहाँ पर एक शाइनिंग, पैची शाइनिंग सी आ जाती है हमारे डिज़ाइन में, लेकिन मधुबनी जो शीट है वो कलर को एब्जॉर्ब कर लेती है और आपको एक देती है बिल्कुल मैट इफेक्ट टाइप का देती है, जिससे क्या होता है हमारे जो कलर है उसकी जो ब्राइटनेस है वो बहुत ज़्यादा होती है और वाइब्रेंट लगता है देखने में। तो ये थी एक छोटी सी बात जो मटेरियल को लेकर है और मधुबनी शीट को लेकर है। आप चाहें तो सेम चीज़ को आपका कैनवास पे भी बना सकते हैं, कैनवास पे भी वर्क किया जाता है, लेकिन मधुबनी शीट की बात अलग होती है। ओरिजिनल चीज़ तो ओरिजिनल ही है, ट्रेडिशनली भी इसी शीट पर बनाते हैं जितने भी आर्टिस्ट हैं बड़े बड़े मधुबनी में, तो वो भी इसी शीट पर बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, पेन, आप पेन और निब के बारे में पूछते हैं, ये जो निब है ये इजीली अमेज़ॉन पे अवेलेबल हैं, बीच में नहीं थी बट अभी फिर से अवेलेबल हो गई हैं। रेट्स थोड़े शायद हाई हो गए हैं बट नो इशू, मैं इनका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और जो कलरिंग है, कलरिंग मैं यहाँ पर यूज़ करती हूँ एक्रीलिक फैब्रिक्रिल के एक्रीलिक कलर्स, इनमें अगर मुझे इनको पतला करना होता है तो मैं वाटर यूज़ करती हूँ। आप चाहें तो कोई भी जो मीडियम होता है कलर में डालने वाला उसको यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यही कहूँगी कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इन सब चीज़ों के झंझट में बिल्कुल ना पड़े। आप जस्ट सिंपल एक 20 रुपीज़ की ब्लैक बॉटल खरीदें, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करें और अपने निब को चलाकर देखें। अगर आपने निब वाला वीडियो नहीं देखा है मेरा कि निब को किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, तो आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये वाला वीडियो भी मिल जाएगा कि किस तरीके से हम निब के लिए अपनी इंक को रेडी करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बात थी मटेरियल को लेकर, और सारी बातें ख़त्म होते होते हमारा जो डिज़ाइन है वो भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। यहाँ पर जो इनके जो सजावट है वो बहुत ज़्यादा मैंने की है, क्योंकि मुझे मधुबनी में लेडीज़ बनाना बहुत अच्छा लगता है। ये मेरी मतलब हॉबी कह लीजिए या मेरा इंटरेस्ट है इस चीज़ में, कि मुझे औरत और जो महिला होती है, हमारे जो समाज की महिला है, उसकी हर तरीके के हर पहलू दिखाने का मुझे बहुत अच्छा लगता है दिखाना।
तो जैसे हर किसी की एक एक हॉबी होती है, मधुबनी में भी कोई फिश के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है, कोई किसी चीज़ के ऊपर अच्छा काम करता है, कोई पक्षियों के ऊपर अच्छा करता है। मुझे लेडीज़ के ऊपर करना बहुत अच्छा लगता है, उनकी अलग अलग, उनकी जो लाइफ की अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग तरीके होते हैं, वो दिखाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आई होप मैं आपको समझा पाई हूँ आज की जो पेंटिंग है, जो आज की जो वीडियो थी, जो मेन जो वीडियो का जो क्वेश्चन था कि हम इमेजिनेशन से किस तरीके से अपने डिज़ाइन को पेपर पे उतार सकते हैं। आई होप मैं आप लोगों को ये चीज़ समझा पाई हूँ, और अगर समझा पाई हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कहीं भी आपकी क्वेरी है, कहीं पर भी आपको डाउट होता है, तो प्लीज़ 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 ज़रूर पूछिएगा, जिससे कि आपके जो क्वेश्चन रहते हैं उनसे मुझे भी अपने मन में कुछ और क्वेश्चंस निकलते हैं, फिर मैं उनका आंसर ढूंढने निकलती हूँ। तो जब मैं आंसर्स ढूंढती हूँ ना, तो गाइस मुझे एक के साथ काफी सारी चीजें और पता चलती जाती हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बात बताती हूँ कि मधुबनी पेंटिंग बनाना तो सब जानते हैं। YouTube पे बहुत सारे चैनल्स हैं आज के टाइम पे जो मधुबनी पेंटिंग सिखा रहे हैं, बना रहे हैं, कैसे भी बना रहे हैं, जो बिल्कुल भी कोई कई इनमें से काफ़ी सारे तो ऐसे हैं कि कोई भी ट्रेडिशनल तरीका यूज़ नहीं कर रहे हैं, जैसे मन है वैसे बना जा रहे हैं। लेकिन मधुबनी पेंटिंग बनाना बहुत आसान है, क्योंकि ईजी फिगर हैं, आप आसानी से उनको बना सकते हैं। मेन बात कहाँ आती है, क्योंकि मधुबनी पेंटिंग सिर्फ एक सिर्फ ड्राइंग नहीं है, मधुबनी पेंटिंग बिहार का कल्चर है। यहाँ पर हम बिहार के कल्चर को देखते हैं, बिहार के रिचुअल्स को देखते हैं इस मधुबनी पेंटिंग के द्वारा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको रिचुअल्स और कल्चर की नॉलेज नहीं है, तो आप जस्ट सिंपल एक ड्राइंग कर रहे हैं, सिंपल एक ड्राइंग, आप उसे मधुबनी पेंटिंग नहीं कह सकते, क्योंकि आपने कहीं से डिज़ाइन देखा और कॉपी किया और उसको आपने बना डाला। अगर आपकी पेंटिंग के पीछे कोई मोटिव नहीं है, तो आप उसको सिर्फ एक इंटरेस्ट के तौर पर बना रहे हैं। लेकिन मधुबनी पेंटिंग की जो असली चीज़ है, वो वही है कि आपने कुछ बनाया और उसके पीछे की जो स्टोरी है वो आपने बताई, वो मधुबनी पेंटिंग है। क्योंकि जितना भी आप देखेंगे, मधुबनी पेंटिंग सारे रिचुअल्स और सारे कल्चर्स को इकट्ठा करती है बिहार के, और उनको दर्शाती है अपने एक अलग ही और यूनिक अंदाज में। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ है, और इस चीज़ को जानने के लिए, इस चीज़ को एक्सपर्ट बनने के लिए आपको बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, बिहार के बारे में जानना पड़ेगा। तो वो कहाँ से जानेंगे, ऑब्वियसली वो या तो मेरे चैनल से जान सकते हैं, या आप बिहार के कल्चर के ऊपर और भी गूगल पे या कहीं पर भी सर्च करके आप पढ़ सकते हैं। तो ये बहुत 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 गहरी बात मैंने आज आपको मधुबनी पेंटिंग की बताई है, कि मधुबनी पेंटिंग ड्रॉ करना एक अलग बात है, मधुबनी पेंटिंग की हकीकत जानना, मधुबनी पेंटिंग को हकीकत तरीके से बनाना, वो एक अलग चीज़ है। तो आज बहुत बड़ी बात मैंने आपको बताई है, इसलिए जो बहुत सारे चैनल्स हैं ना, जब मैंने फर्स्ट टाइम ये चैनल बनाया था मधुबनी पेंटिंग का, तब बिल्कुल भी चैनल्स नहीं थे, तो मुझे यही लगता था कि शायद मैं ही हूँ जो इस चीज़ को आगे बढ़ा रही हूँ। और मेरे चैनल का मेन मोटिव भी यही है कि मैं आप लोगों को, ये इतनी ब्यूटीफुल आर्ट है, इसको, इसके पीछे की कहानी को, इसके पीछे जो रीज़न है क्यों ये बनाई जा रही है या क्यों ये सीन क्रिएट किया जा रहा है, उन सब चीज़ों को आप तक पहुँचाऊँ फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई कॉस्ट नहीं है, सिर्फ आपका एक लाइक चाहिए, आपका अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वही मेरे लिए बहुत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बहुत सारी चीज़ें, बहुत बातें करी। देखिए, अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ, स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक थोड़ा सा जगह बची थी, यहाँ पर मैं कुछ नहीं बना सकती थी, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, पेड़ का जो स्टेम होता है, जो तना होता है, वो बनाया, और इसके बाद ऊपर का जितना भी एरिया है वहाँ पर हम लीव्स बनाकर पूरे को कवर कर देंगे। और ये जब पूरा बन जाएगा तो बहुत सुंदर लगेगा। तो चलिए जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं।
तो यहाँ पर इस तरीके के जो फ्लावर्स हैं उनको बनाकर मैं पूरा ऊपर का एरिया कवर कर दूंगी। आप चाहें तो यहाँ क्लाउड्स भी बना सकते हैं। क्लाउड्स के पैटर्न मैंने अपनी पिछले से पिछली वीडियो में शेयर किए हैं कि किस तरीके से हम बनाते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए जल्दी से देख लेते हैं इसका फाइनल लुक, जो कि बेहद खूबसूरत है। अभी ये पेंटिंग शायद आपको उतनी अच्छी नहीं लग रही होगी, लेकिन मैं इसको फ्रेम करवा के इसको भी आपको ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि ये फ्रेमिंग के बाद इसका जो गेटअप आता है ना, वो बहुत ही ब्यूटीफुल आता है। तो देखिए यहाँ पर हैं हमारी सारी जो महिलाएं हैं, वो गॉसिपिंग कर रही हैं, और ये गॉसिपिंग लेडीज़ ग्रुप है। तो यहाँ पर ये इस तरीके से देखिए कितना सुंदर लुक आ रहा है इस पेंटिंग का। आप चाहें तो यहाँ पे कोई और एलिमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं ऊपर की तरफ, चाहें तो सन बना सकते हैं, चाहें तो बर्ड्स बना सकते हैं, आप कुछ भी बना सकते हैं, पिकॉक बना सकते हैं, दूसरे तरीके का ट्री बनाकर वहाँ पे पिकॉक भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी आज की पेंटिंग, कैसी लगी मुझे बताना प्लीज़ ज़रूर, क्योंकि आप जब बताते हैं तभी तो मुझे लगेगा कि हाँ मेरी मेहनत जो है वो सफल हुई है नहीं हुई है। तो प्लीज़ आप बताइएगा ज़रूर कि किस तरीके की लगी आपको ये आज की पेंटिंग, और अगर आप इसको दोबारा बनाते हैं, रिक्रिएट करते हैं, तो प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे इंस्टाग्राम हैंडल trivinika.art पर। और फ्रेंड्स इस पेंटिंग को, इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स आपको कैसी लगी, कौन सी जो डिज़ाइन है साड़ी का वो आपको पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा।